थैंक यू। क्या सीन के बारे में बताएंगे, क्या शादी में क्या हुआ, ईशानी को चक्कर? बेसिकली देवर्ष और कृषा की वेडिंग है और ईशानी की, मतलब बहुत सारा, ऑब्वियसली जहाँ पर भी शादी होती है मेरी आशिकी में वहाँ ड्रामा बहुत होता है, तो इस शादी में भी बहुत ड्रामा है। रितिका को मैं यहाँ बुला लेता हूँ, कन्विंस कर लेता हूँ आने के लिए, फिर वो यहाँ आती है और ईशानी उसको सबके सामने चाटा मार देती है। रितिका ने तो गाल पार लगा, लेकिन जिस तरह से लगाया लगता है कि थप्पड़ काफ़ी जोर से लगा हुआ है। ईशानी का हाथ देखा है, बहुत ही सॉलिड हाथ है ईशानी का, तो आई एम श्योर जोर का ही पड़ा होगा। और ऑब्वियसली देयर चीट शूट किया होगा, रियल में तो मारा नहीं होगा बिकॉज शी इज़ अ गर्ल। मैंने खाया उसके हाथ का थप्पड़, मैंने खुद ही कहा था उससे, जब मैं उसको उसकी माँ की डेथ के लिए बताने जाता हूँ तब मैंने उसको कहा था मुझे मार देना, वो सीन में फील आई है। जो सच्चाई है धीरे धीरे सामने आ रही है, कुछ लग रहा है कि ईशानी की माँ का मतलब किसने मरवाया ईशानी की माँ? वो तो पता ही है ना, अभी उसको पता लग गया, लेकिन थोड़ी डरी हुई कि ईशानी आरवी को बता, आरवी को ना बता दे, और सब आरवी को नहीं सभी को ना बता दे, और ऑब्वियसली फिर उसको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। एंड बट वही है कि देर हैज़ टू बी सॉलिड यू नो प्रूफ फॉर एनी थिंग टू बी डन, एंड आई गेस ईशानी अभी अपनी याददाश्त खो चुकी है तो उसको कुछ याद ही नहीं है। अच्छा, जिस तरह से चक्कर आया ईशानी को, आरवी लेकर आप कहाँ गए थे? आरवी ने बिस्तर पे लेके गया, वो बाद में उनको अपने घर पे लेके गया, आप बस देखते रह गए। हाँ, तो मैं भी जाता हूँ, वो आपने एंड वाला पोर्शन देखा नहीं सीन का, यहाँ पर मैं भी जाता हूँ और मैं आरवी को बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, तो आई गो विथ हिम टू ड्रॉप ईशानी। थैंक यू। थैंक यू।